यू सर। आदरणीय चेयरमैन महोदय जी, सबसे पहले मैं और हमारे उड़ीसा वासियों की तरफ से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। मुझे पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने मैं बोलने का मौका मिला, ये मेरे लिए गौरव की बात है। थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ। इसलिए डरो मत तुमसे। डर क्यों रहे हो महोदय? आपको मैंने पिछले पाँच साल में एमएलए तौर पे देखा, फिर बाद में मिनिस्टर के रूप में देखा, और आज आपको राज्यसभा के चेयरमैन और देश के उपराष्ट्रपति के हिसाब से हम देख रहे हैं। महोदय, एक दिन था आप जब युद्ध थे तो आंध्र प्रदेश से देश के लिए बोल रहे थे, एक दिन था तो आप राइट साइड से बोल रहे थे, और एक दिन था आप लेफ्ट साइड से बोल रहे थे। लेकिन आज गणतंत्र के सर्वोच्च पद में रह के आज लेफ्ट से राइट, बीच और देश के बात सुनेंगे, इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप अपने जीवन में कितना मेहनत किए होंगे। सामने भी सुनेंगे। युद्ध के समय में आपने जेपी मूवमेंट में शामिल थे, इससे भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि आप कितना हिम्मत वाले इंसान थे। आपके पास स्टूडेंट्स के लाइफ के आपके पास एक्सपीरियंस है, पब्लिक लाइफ के एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल लाइफ के एक्सपीरियंस है, इसलिए निश्चित तौर पे मैं आप पर, आपके गाइडेंस पर राज्यसभा में अच्छा काम करेंगे। अपने पार्टी की ओर से सदन के संचालन में हम लोग आपके हर संभव सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और हमारे उड़ीसा वासियों की तरफ से फिर से आपका शुभकामना करते हैं। थैंक यू सर।